लूंगा। डायबोलिकल का मतलब होता है दुष्ट, पिशाच, सुना होगा भूत पिशाच निकट नहीं आ गए, उसी बहुत सुंदर उसी पिशाच की बात की जा रही है, दुष्ट की बात की जा रही है, डेविलिश की बात, कुबेर की बात। तो डायबोलिकल को याद कैसे करें, डाई का मतलब होता है दो, बोली कल, डाई मतलब दो बोली कल, कल जो दो बोली रात में बोली थी वो चुड़ैल थी, भूत थी, पिशाच थी। तो डायबोलिकल मतलब पिशाच, दुष्ट, डेविलिश। नेक्स्ट है मोनोटोनी। मोनोटोनी कहेंगे तो निरसता, नीरस होगा लाइफ, है ना, मंडेन, बहुत सुंदर। तो मोनोटोनी मोना का टोन, मोना से शादी कर लिया उसका टोन कर सक रहा है, तो मोनोटोनी मोना का टोन कैसा हो गया है, नीरस, बोर्डम हो गया, मजा नहीं आ रहा। तो मोनोटोनी मोना का टोन कैसा हो गया, नीरस। नेक्स्ट पर ग्लॉसी, ग्लॉसी कहते हैं चमकदार को, ग्लॉसी, ग्लास, तुम ग्लास को बढ़िया सबसे धो दो बड़ा चमकदार हो जाएगा, तो ग्लॉसी, ग्लास, ग्लॉसी, ग्लास कैसा होता है, चमकदार। नेक्स्ट पर इंडिग्नेशन, रोस, नाराजगी, खीस को हम इंडिग्नेशन कहते हैं। इंडिग्नेशन क्या करो, इंडिया नेशन, इंडिग्नेशन, इंडिया नेशन। तो इंडिया नेशन के जो लोग हैं वो बड़े ही रोस में है, नाराजगी में है, गुस्से में है, सारे सरकार फेवर कर रहे हैं, गुस्से में है, इंडिया नेशन के लोग सब परेशान है। नेक्स्ट पर विविध, विविध मतलब चंचल, जीवंत, विविध, विवि एक ऐसी प्राणी होती है, विवि एक ऐसी प्राणी होती है जो बात चंचल होती है, घर को हमेशा परेशान की रखती है। तो विविध कैसी प्राणी है, चंचल प्राणी होती है, पावरफुल होती है, ठीक है, इंटेंस होती है, भाव है उसका चंचल जीवंत, इंटेंस। अगला बड़े पर्ज, पर्ज का मतलब होता है निर्दोष साबित करना, पर्ज, पर्ज का करना पुर्जे, अब पार्ट पूजा चुरा करके भी पुलिस ने क्या कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया, उसने कार का पार्ट पूजा चुरा लिया था, पुलिस ने क्या कर दिया, उसको निर्दोष कर दिया। तो पर्ज, पर्ज का करो पार्ट पूजा, एलिमिनेशन, रिमूव। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, डिटेन, इसको अरेस्ट करना भी कहते हैं, होल्ड करना, कीबैक करना, डिटेन करना, कैद मतलब उसको बना कर लेना, तो डिटेन मतलब हिरासत में रख लेना, जैसे पुलिस अपने लॉकअप में बंद कर देती है उसको डिटेन कहते हैं, डिटेन ही है ना, तो डिटेन मतलब हिरासत में लेना। डिटेन का मतलब दी ट्रेन, दी ट्रेन, दी ट्रेन, अब किसी ट्रेन को आने की धमकी देगा तो पुलिस क्या करेगी उसको, तो दी ट्रेन हिरासत में लेना। आर्टिफाइस, चलाकी, कौशल, बुद्धिमत्ता, आर्टिफाइस, आरती फंस गई, बड़ा चलाकी कर रही थी, तो आर्टिफाइस, आरती फंस गई, बड़ा चलाकी कर रही थी। नेक्स्ट बड़े अरेन, अरेन का मतलब होता है मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना, अरेन का मतलब होता है अक्यूज, अपराधी, जो कोर्ट में कौन जाएगा, अरेन का मतलब इम्पीच, अक्यूज, अरेन, अरेन का मतलब दोषी, अपराधी, कोर्ट के लिए मतलब मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना। अरेन का कैसे कहते हैं, अरेन और रेन, बारिश का मौसम है, रेन और हो रहा है, जबकि उसको कोर्ट में जाना है। ग्लूटन कहते हैं पेटू को, ग्लूटन का मतलब मटन, मटन खा खा के लोग क्या जाते हैं, पेटू जाते हैं, ग्लूटन मटन, ईटर है, फीडर है, खाने वाला है, ग्लूटन, ठीक है। तो आप सुन लेंगे, घर पर याद हो जाएगा, जैसे देखिए कुछ बेसिक वर्ड दिया, ओनली दे डू, वी ऑल्सो, वी ऑल, वी पीपल, अवरसेल्स, वी डू, है ना, बहुत ही बेसिक वर्ड है, इसको आप याद, नेम सेक, नाम के खातिर, डुप्लीकेट, प्रतिलिपि, इससे आता होगा सबको, ब्रांचेस नहीं, ठीक है, बहुत सुंदर। वापस आते हैं प्रोनाउन की तरफ, तो हम लोगों ने ईट का पूरा समाप्त कर दिया, ठीक है। अब नंबर टू कौन सा होगा, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्लियर, अबाउट ऑल अराउंड, कौन सा अबाउट अराउंड, इट इज अबाउट टू, किताब में है तो बढ़िया, तो है किताब, मतलब एक्स्ट्रा मिला चाहिए ना, जैसे अबाउट टू का मतलब होता है कि आसपास, नहीं कि आसपास, जैसे बोलना है पांच के आसपास है, पांच के बजने वाला है, पांच से कम है, इट इज अबाउट टू फाइव, पांच अराउंड फाइव है, मतलब उसके इर्द गिर्द कुछ, दो में ज्यादा चाहे कम तो अराउंड आ जाएगा, नहीं एग्जैक्ट टाइम के लिए, इट इज जस्ट फाइव, दैट इज फाइव, इट इज फाइव ओ क्लॉक। अब अगर अराउंड या अबाउट बोलेंगे तो कम या ज्यादा हो जाएगा, अबाउट में कम हो जाएगा, अराउंड में आसपास हो जाएगा, जैसे दो मिनट एक मिनट नहीं बोलना चाहते अराउंड बोल दो, है ना, पांच बजे पांच सात बाकी है, नहीं बोलना चाहते अबाउट बोल दो, तो बच जाएगा, भी चिंता करो, है ना। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब हां जी डेमोंस्ट्रेटिव क्या है, तो नंबर टू होगा, तो डेमोंस्ट्रेटिव में चार वर्ड रखना है, दिस, दैट, दिस, दोस, ये डेमोंस्ट्रेटिव मतलब होता क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड में डेमोंस्ट्रेट से, डेमोंस्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, नहीं वो तो डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है, प्रदर्शन करना, हो वाला करना, तो डेमोंस्ट्रेट प्रदर्शन, अब प्रदर्शन का मतलब होता है शो करना, तो दिस, दैट, दोस चार शब्द है ना, एक प्रदर्शन नहीं होता, दिस इज अ पेन, दोस आर वॉइस, दोस गर्ल्स आर मेकिंग नॉइस, तो क्या शो हो गया, तो इसलिए डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या, दिस, दैट, दीस एंड दोस आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीस एंड दोस आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीस एंड दोस आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीस एंड दोस आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, this, that, these and those are called demonstrative pronoun, this, that, these and those are called demonstrative pronoun, ठीक है, this, that, these and those are called demonstrative pronoun, no problem, अब समझ बात को, this, that, these, तो चार शब्द को बोलते हैं demonstrative, clear, बाबी सही, अब क्या है कि this और that, these and those, दोनों में अंतर क्या है, तो this और that क्या होता है, verb क्या लेगा, these और those क्या होता है, verb क्या लेगा, ठीक है, this और these का प्रयोग कहां करते हैं, और that and those का प्रयोग कहां करते हैं, जिसको छू सकते हैं उसके लिए क्या लगाएंगे, जिसको छू नहीं सकते, जिसको नजदीक होगा दिस, दूर होगा जैसे दिस, दोस, दिस, दैट, ठीक है, बता लीजिए, दिस का हिंदी होता है या, दैट का हिंदी हुआ, दिस का हिंदी ये सब, दोस का हिंदी वो सब, वह तो सही लिखा हुआ था, सब में चाल दिया मैंने, जहाँ वहीं चाप दिया ना, ये सब में तो रहेगा, वो सब नहीं होगा, वो सब होता ना, बहुत सुंदर तैयारी, वो सही था, पेट चीरने में बहुत परेशानी होती है मुझे, यहाँ लिखा समझाता हूँ आराम से, अभी एग्जांपल नहीं लिखना, ठीक है, जितना कहते रहो लिखते आराम से, टाइम मिलेगा आप सबको आराम से, ठीक है, जो बच्चे क्रांतिकारी आपने पढ़ा बेटा, फीवर हो रहा है सर जी, तो घर में आराम से बैठ पड़िए, नहीं सर जाम पियेंगे, हाँ तो जाम पीने ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम जितेश, समझ में आ रहा है लेकिन बनाने बहुत बनता है सर, ठीक है, चंदन कुमार हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से,
सर बुक का पीडीएफ, बुक का पीडीएफ आपको जहाँ एक्सरसाइज वहाँ मिल जाएगा, सारी बुक का पीडीएफ क्रांतिकारी ऐप में डला हुआ है। चरण स्पर्श सर, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। उमा शंकर सर मेरा नाम लीजिए ना सर, मुझे तो भूल गए आप। थोड़ा सा बात करो तो सही बोलेगा, बोला जान पीऊँगा। आई एम काजल, कैसे हो काजल? संस्कृति लिखे बेटा तक, क्योंकि मन करता है इनको पढ़ता रहूँ, बात करता रहूँ, लेकिन समय का भाव। चलिए लिखिए यहाँ तक, आप चलिए यहाँ तक खाता हूँ लिखा ना। देखिए अब पहला चीज़ क्या लिखा आपने, दिस दैट दिस और, आप समझिए दो एग्जाम्पल बताओ इसको। एग्जाम्पल दिया हमने, दिस इज अ पेन, दूसरा एग्जाम्पल है दिस पेन इज कॉस्टली। ठीक है, अब समझिए मामला क्या, पार्ट समझिए, क्योंकि जब तक समझ में आएगा टफ लगेगा आपको। अब बताइए दिस इज अ पेन, दिस स्वतंत्र है या नाम से पहले है? ठीक है, दिस किसी का नाम है लेकिन सब्जेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, तो दिस दैट दिस एंड दोज आर यूज्ड विदाउट नाउन, आर यूज्ड विदाउट है कि नहीं, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये हो गया सब्जेक्ट, नाम किसी का नहीं है इसलिए दिस का नाम क्या हो जाएगा? ठीक, अब यहाँ पे दिस का प्रदर्शन डेमोंस्ट्रेट, दिस इज अ पेन, यह कलम है दिखा रहे हैं। आगे देखिए दिस पेन, ये दिस पेन क्या है, तो नाउन से पहले क्या हुआ, नाउन से पहले किसको दिया गया है, एडजेक्टिव, तो बोलो दिस वाज नेगेटिव। यानी कॉन्सेप्ट ये काम किया कि व्हेन दिस दैट दिस एंड दोज आर यूज्ड बिफोर द नाउन इट इज कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो ये हो गया डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये हो गया डेमोंस्ट्रेटिव प्रपत्ति है, नाउन से पहले है तो एडजेक्टिव नाउन है कि नहीं? दिस पेन दिस इज, तो दिस इज प्रोनाउन, दिस पेन एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव का मतलब नाउन से पहले। तो आप बोलो दिस दैट दिस दोज आर यूज्ड बिफोर द नाउन तो इट इज कॉल्ड, तो बोलो यहां लिख सकते हैं कि इसको बोलेंगे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो बोलो कॉम्पिटेटिव स्टडी हुआ कि नहीं हुआ? जब पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव तो वहां सेम बात लिखाऊंगा, तो क्या बोलोगे? आता है सर, आगे बढ़िए, है ना, तो उतार लो इसको भी। एग्जाम्पल क्लियर है, तो प्रणाम यार, यानी हम लोग कॉम्पिटेटिव स्टडी करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, एडिटिव जाऊंगा तुलना करेंगे ताकि आगे पढ़े तो और आसान लगे जी पढ़ने में। ठीक है ना, बहुत सुंदर, अब चले भाई। यही बात यहाँ पे लिखा था नाउन, तो नाउन लगाने से क्या बन गया था एडिटिव, लेकिन यहाँ पे एरो नहीं दिया होगा इसलिए ये बात समझिए। ठीक है, अगले एग्जाम्पल दिया हुआ 3-4-5, इसको समझने का प्रयास करिए। पहला एग्जाम्पल दिया है दीज आर गुड बॉयज, बताइए दीज क्या है, दिस इज गुड बुक दिस क्या है, दिस बुक दिस क्या है, दोज गर्ल दोज क्या है, एग्जाम्पल लीजिए। पहचानना आएगा, अंग्रेजी आएगा, आप ऐसे से बच्चों को देखिएगा जिसका पूरा कोर्स खत्म है, उसको पता ही नहीं कि एडिटिव क्या है, प्रोनाउन क्या है। अब पूछोगे कोर्स, हाँ कोर्स नहीं खत्म हो गया, इसका कोर्स खत्म है, उसको ये नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, एडिटिव क्या होता है, पहचानना नहीं आएगा। आप बहुत खुशनसीब हैं, हाँ, कि धर्मेंद्र सर के पास आए हैं, मैं भी खुशनसीब हूँ कि आप मिले हैं, बहुत सुंदर। चापो उसको मिलेगा तब ना, लड़कियों का खजाना होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल उंगली पर जाने का ताकि समझ में आ क्यों हुआ भाई, क्योंकि सारे नाउन है, ये भी नाउन है, इसके बगल में है सर इसलिए वो एडजेक्टिव, ये स्वतंत्र है इसलिए वो प्रोनाउन, इसके बाद कोई नाउन होता है हो जाता है एडजेक्टिव, इसलिए डबल यूज है दिस दैट का, दिस दैट का डबल यूज है। आप यूज करने से घबराएं नहीं, डरे नहीं, जब नाम पता हो जाएगा तो यूज करना भी आ जाएगा। फिर है तो दिस दैट दिस दोज मान से समझ में आ गया सबको, दिस जिसको छू सकते हैं, दिस इज अ गर्ल नजदीक है, दैट इज अ गर्ल दूर है, दीज आर गर्ल्स नजदीक है, दोज आर गर्ल्स दूर है, मामला है क्या, दिस दैट का एग्जांपल, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ फोन, यही दूर चला गया तो दैट इज फोन, दैट आर नहीं होगा, दैट इज अ फोन, दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ पेन, दैट इज अ मैंगो, जिसको तुम छू नहीं सकते हो दैट, जिसको छू सकते हो। ठीक है, दिस दोस लाइक सेम, दिस जो तुम्हारे आसपास में है, दिस जो थोड़ा सा डिस्टेंस में है, दोस दिस दैट सिंगुलर, दिस दोस प्लूरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम लोग का जिसका नाम है इनडेफिनिट प्रोनाउन। पहले जो लिखा समझेंगे उसको बारीकी से, यहां समझेंगे, देखिए नंबर जो 3 हम लोग का है, 3 इसका नाम है इनडेफिनिट, क्योंकि वहां रहेगा दिमाग में बता रहेगा, इसे समझना मेन जरूरी काम है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा पढ़ना बेकार हो जाएगा। कौन है बालक? इनडेफिनिट मतलब डेफिनेट नहीं, डेफिनेट का मतलब क्या होता है जी? निश्चित, इनडेफिनिट अनिश्चित, जो निश्चित ना हो अच्छी बात। अब राम बोले निश्चित है कि नहीं है? नहीं है, राम मोहन सुनिश्चित है, अच्छी बात।
आयु ही निश्चित है, लेकिन दुनिया का वह सब जिसके अंत में वन लगाओ, जिसके अंत में बॉडी लगाओ, जिसके अंत में थिंग लगाओ, ये आजीवन होगा अनिश्चित। और ये शब्द लगेगा कि प्लुरल है, लेकिन आजीवन होगा सिंगुलर, और भर भी लगेगा। तो लंबा याद नहीं करना, छोटा करो, वन लगाओ। हजारों शब्द जी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सारा शब्द क्या होगा? भर लगेगा। हमने बोला एवरीबडी इज कमिंग की आर कमिंग, तो एवरीबडी बोलने से एक का बोध की जगह क्या लगेगा? मुझे कह रहा है, हमने बोला एवरीबडी इज कमिंग, एवरीबडी आर कमिंग, तो सर ने कह दिया कि जिसमें वन लगा हो, बॉडी लगा, जीवन भर के लगेगा, वो लगेगा ही सिंगुलर। एग्जाम में ही पूछा तुमसे, तुमको लगेगा एवरी वन बोल रहा है, एवरी वन तो सबके लिए बोल रहा है, यानी क्या लगेगा? इस लगेगा बस मेरा। तो जिसमें वन लगा हो, बॉडी लगा हो, थिंग लगा, जीवन, अब बोलो किसी निश्चित को कह रहा है? अभी कोई नॉक किया, हमको दिखाई नहीं दिया, बोले संबंध, तो निश्चित के निश्चित, निश्चित खटका के भग लिया, क्या निश्चित अनजान था कोई, तो निश्चित या अनजान एक जैसा होता है। तो वन बॉडी या थिंग लगाओ, वाजीवन क्या होता है? इंडिया फिट, याद हो जाएगा। इसको तीन स्टाइल पढ़ेंगे, पहला स्टाइल है, इसी में दो स्टाइल, एक ए और एक अलग, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए आता है और वस्तु के लिए आता है, ठीक है? तो बड़े आराम से पढ़ेंगे, इस तरीके से बनाएंगे आप। इंडिया फिट पढ़ाओ, है वन बॉडी और थिंग, कोशिश किया टाइपिस्ट, वन बॉडी और थिंग लगाओ तो वाजीवन क्या होता है? सिंगुलर, वर्ब भी क्या रहता है? सिंगुलर। और नीचे दीजिए इसको, पहला पॉइंट, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, पहला डिफिनेशन है। ठीक है, स्पेलिंग दिक्कत पूछना बेटा, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित अनजान, नो वन, नो वन, जानते हो क्लास में गरजने का मन करता है, चिंगारने का मन करता है, लेकिन मेरा आवाज को दबा देगा, ये कोरोना काल है ना, मेरे आवाज को दबा रहा है, अकेले भी चिल्ला नहीं सकते। एक जान पहचान का लड़का वीडियो देखता है, बोलता है सर आजकल बड़े दबे दबे बोलते हैं, उसको पता नहीं चलता मामला क्या है। बिहार को कोई भी यूनिवर्सिटी में ये लोग पता है आपसे मिला रहता है, कहता समझ में नहीं आता। क्लास लिखते बेटा, क्लास है, क्लास चल रहा है, लिखो देखो, बना लिखा, देखो समझ नहीं आ रहा, देखो नोट में क्या लिखा है, आगे लिया आपने, देखो नोट में क्या लिखा है, नोट लिखा है कि दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, पति देयर नहीं, दीज यहां भी दीज होगा, टाइप ध्यान देना, दीज आर यूज फॉर पर्सन, देयर नहीं, दीज आर यूज फॉर पर्सन, इसका आप किस लिए करते हैं बाबू? व्यक्ति के लिए। अब संबंध मतलब क्या होगा? समबडी क्या कहेंगे जी, समथिंग कहेंगे, तो ये दीज आर यूज फॉर पर्सन। अब नीचे पॉइंट, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आर कॉल्ड, पहला था यहां लिखा है नंबर 2, ये भी रचना, ये था परिभाषा 1, ये परिभाषा नंबर 2, क्या भाई? जिसमें थिंग लगाओ, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, लिखो यहां से, नोट लिखा, नोट पर पॉइंट नंबर 2 लिखना, मतलब एक ही चीज का दो परिभाषा दे रहा हूं, डिवीजन एक ऊपर दिया एक नीचे दे रहा हूं, ये भी लास्ट लिखा होना चाहिए था। चेक कर रहा है, है? तो क्या गलती से लिखा ना, चेक कर लो, बाहर कौन है वहाँ पे, ठीक है ना? तो क्या लिखा, समथिंग, वन बॉडी में बताता हूँ, यहाँ लिखा था ना, पहले नोट लिख लो, दीज आर यूज फॉर थिंग्स एंड यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर फॉर, ठीक है? तो यहाँ पे दे दिया, क्या करना है, दीज करना है, दीज आर यूज फॉर पर्सन, वो एक नंबर था, दो नंबर है, ठीक है? अभी कर लो, बताओ अंदर, ठीक है बेटा, ना समझ में पूछते रहना है, कोई दिक्कत हो लाइफ में, ठीक है बेटा? ऑनलाइन वाले पे तो पूरा ध्यान है, तुम लोग देखा, तुम मोबाइल में चलते थे, मैं देखो यहाँ, ठीक है, कुछ कुछ चल रहे हो तुम सब, अति सुंदर, हमेशा खोल करता हूँ तुमको, फाइन, झारखंड में कभी आइए सर, झारखंड में कैसे आऊँगा, ठीक है, दीज आर यूज फॉर थिंग्स, दीज आर यूज फॉर थिंग्स एंड टेक सिंगुलर, ठीक है, ये सब होते हैं, सिंगुलर करते हैं, बहुत बात आगे देते हैं, तीसरा यहाँ पर हो गया, तीसरा पॉइंट, नोट लिखा, नोट लिखो, दीज आर यूज फॉर थिंग्स एंड यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर, ये दूसरा पॉइंट था, यहाँ पे जो था फिर समझिए, ये तीसरा पॉइंट नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे दीज है, और नोट में दीज आर यूज फॉर थिंग्स एंड यूज एज सिंगुलर, ये इसके लिए बनाया गया है, तो ये इसको लिखा था लाल से, इसको ब्लैक से उल्टा कर दिया है, क्योंकि टाइप इसका मन भी उजाला रहता होगा, बोलो कोई दिक्कत, चलो अब आगे, ये तुम्हारा तीसरा दो हो गया था ना, ये तीसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, some, most, any, all, few, one, etc. are called indefinite pronoun. इसको हम क्या कहते हैं बेटा? Indefinite pronoun कहते हैं. Some, most, any, all, few, one, etc. are called indefinite pronoun. इसे भी हम indefinite pronoun कहते हैं. हाँ? थर्ड हुआ ना? दो हो गया? तीसरा होगा?
सम, अब देखिए सम का प्रयोग कहां करते हैं बताया गया है, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसे एरो नहीं होगा, एरो गलत दिया इसने, ये बस एरो ऐसे है, ऐसे होगा। सम का प्रयोग कहां करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी सम का प्रयोग कहां होता है, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव में, और एनी का प्रयोग कहां करते हैं, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। सम और एनी में क्या अंतर है, जैसे हमने सेंटेंस बोल दिया आई हैव एनी मनी, आई हैव एनी मनी, राइट रॉन्ग, रॉन्ग क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में, पॉजिटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग, और हमने बोल दिया आई डोंट हैव सम मनी, तो नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग, मैंने आपको सम और एनी में क्या, सम और कुछ एनी मतलब कुछ, हमने बोला मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव एनी मनी, आई हैव सम मनी, मेरे पास पैसे कुछ नहीं है, आई डोंट हैव सम मनी, आई डोंट हैव एनी मनी, ये पूछना है, तो सुनने से लगा आई डोंट हैव सम मनी गलत हो जाएगा, आई डोंट हैव एनी मनी, समझ पा रहे हो ना, एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछेगा सब, इसलिए हर परफेक्ट, ये सम और एनी में अंतर बताया गया है। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, उसको लिखना आपको, हां सब एग्जांपल आएगा, सारे का एग्जांपल आएगा, चिंता ना करना, तो मैं हूं खड़ा हूं, बातें सब एग्जांपल दिया जाएगा, नीचे एग्जांपल होगा, लेकिन डिवीजन दिया गया ना आपको, कुछ दिख ही नहीं रहा है सर, बट उन लोगों को दिख रहा है, आपस में जुड़े रहो, देखो बच्चा कितना लिखा, हम लोग सब फोकस करें तो दिखेगा सब, ठीक है, चलो बढ़िया से पढ़ो, बदमाशी मत करो तुम लोग, हर चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ तो बता लिया, ये सब जो कटवाता हूँ सब देखते हैं, जैसे ये सब बनाया एरो सब कहो कि हाँ वाचफुल नजर रखो, हाँ बस अगली बार में दिक्कत ना, अगले मैसेज सुनो, लड़का समझदार है, का नाम है डी लाल, डी लाल, इसका रियल नाम है संतोष, लेकिन हमने इसका नाम 2012 में मेरे साथ था, 12 से लेकर अभी तक साथ है, तो हमने इसको नाम दे दिया डी लाल, धर्मेंद्र का बेटा, डी लाल धर्मेंद्र का लाल, तो डीएसएल का लाल हो गया, इसलिए पुराना स्टाफ ही है मेरे पास, मेरे जैसे क्या करना भाई, लिख एग्जाम्पल, चल नीचे आ जाओ, ये दो तीन एग्जाम्पल लिखिए फटाफट, यार बहुत सारा है, लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं, पहला एग्जाम्पल है आई हैव सम मनी इन द बैंक, लिखते रहो फटाफट, आई हैव सम मनी इन द बैंक, लिखते रहो, आई हैव सम मनी इन द बैंक, राइट रॉन्ग, राइट कर दिया, आई डोंट हैव सम मनी इन द बैंक, आई डोंट हैव एनी मनी इन द बैंक, डू यू हैव सम मनी इन द बैंक, राइट, Do you, don't you have any money in the bank? पहले पांच लिखे पहले, एग्जाम्पल था थर्ड पॉइंट का, है ना, एग्जाम्पल आपके पास था थर्ड पॉइंट का, लिख लिया, चेतक हो गया, आगे लिखे छह के बाद एग्जाम्पल पूरा लिखे बाबू, हेलो सर, हो गया लिख लिया सर, नेक्स्ट, ठीक है, कंप्लीट सर, छह राइट सर, छठा राइट बोल रहा है, छह राइट कंप्लीट सर, सात राइट, देखते हैं क्या है, देखिए पहला क्या देते हैं, संबंध इज वेटिंग फॉर यू, तो संबंध सुंदर है, इज लगाया, वेटिंग लगाया, बिल्कुल क्या तुम्हारा, समबडी हैज टोल्ड इज स्टोरी, राइट रॉन्ग, संबंध हैज स्टोरी माय बैग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग हैज, यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस, अगर गलती क्या संबंध हैव करते क्या था, नथिंग आर करते क्या था, बस एग्जाम लिया सबका, किसी बच्चों का भी होता होगा, मेरे मैप चली नहीं रहा, हाँ एवरीथिंग सेंस पे, लेकिन यू सिंगल होगा, सर मैं क्लास 8 में हूँ, नो क्लास 3 इजंट क्लास सर, क्यों इसमें क्या गलत है बताइए जी, नो सर हाउ आर यू, तुम पढ़ाई करना, ठीक है, एनी के साथ नो भी आया है, हाँ एनी के साथ नेगेटिव आएगा, एनी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है ना, ऐसा मत सुना कि नेगेटिव है, उतार यहाँ तक, नहीं तो है नहीं, एवरीथिंग सेंस प्लेयर का मतलब नहीं, एवरी बडी तो प्लेयर होगा ना, एवरी बडी तो हर हाल में होगा, भर मिल रहा है सिंगर को, अब समबडी बोलते हो, हिंदी क्या निकलेगा, कुछ आदमी है ना, अब दिखाते हैं आगे,
कि सम वन और समबडी में क्या अंतर है, लिखा हुआ सर। एग्जांपल लिख लो, ही हैज फोर डॉग्स एंड एवरीवन इज ब्लैक। अगर यहां पे एवरीवन का तो किसके लिए हुआ है, समझ गए? अब बताया संबंध और समबडी में क्या अंतर है। संबंध का मतलब व्यक्ति प्लस वस्तु प्लस, और समबडी मतलब सिर्फ व्यक्ति, यही अंतर है। अगर हम संबंध कर देते हैं तो संबंध बाहर है, अब बाहर अनजाने बोल रहे हैं कुत्ता नौक किया, बिल्ली नौक किया, जानवर नौक किया, वस्तु नौक किया, क्या नौक किया, इसलिए समझ गए ना। प्लस मतलब इनमें से यह भी, यह भी, यह भी, तीनों हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, सभी हो सकता है। हो सकता है कि लकड़ी गिर गया तो खट से कर दिया, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। वन का मतलब कुछ भी और बॉडी मतलब शरीर, है ना। वन का मतलब अदृश्य और समबडी मतलब दृश्य। समबडी इज कमिंग मतलब समबडी, हम उसको पहचानते नहीं है, एक आदमी आ रहा है, कुछ व्यक्ति आ रहा है। और संबंध इज कमिंग, अभी आया नहीं है, आ रहा है गाड़ी से, कोई व्यक्ति आ रहा है, दूसरा कुत्ते लेके आ रहा है, मशीन लेके आ रहा है। ये इसका दिमाग खूब चलता है, अच्छा है, दिमाग खुल जाता है, अंदर समझ आ। अच्छी बातें बोला है, थिंग्स तो स्पेशल वस्तु आ गया, लेकिन संबंध का मतलब सब समाहित होगा, इसको बहुत समझे ना, बहुत गुरुची बात है। व्यक्ति वस्तु जानवर में कुछ भी हुआ, संबंध मतलब सब छुपा उसमें, और संबंधी मतलब सिर्फ व्यक्ति के लिए। ये सब किताब में नहीं मिलेगा, सब बेसिक, ये सब एक्सपीरियंस के आधार पर दिया हुआ ज्ञान है। क्या समझ बात को, मेरे में ऐप चली नहीं रहा, अपन कर दो ठीक है, बता तक बोलो क्या, आगे चले, बहुत सुंदर। तो ये था हम लोगों का इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट अनिश्चित अनजान, जिसको जानते नहीं। अगला शुरू होता है हम लोगों का प्रोनाउन है, वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बड़ा आसान पार्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या होता है। तो ये क्या कहता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये क्या होता है जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। इंटेरोगेटिव मतलब आप वर्ड पहले सुने होंगे, इंटेरोगेट का मतलब होता है छानबीन करना, पूछताछ करना। तो डब्ल्यू एच वर्ड काम करता है इसमें, यानी व्हेन डब्ल्यू एच वर्ड इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होगा, इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव। आप प्रश्न होता है कि डब्ल्यू एच की बात कर रहा है, तो डब्ल्यू एच का प्रयोग हम करते हैं दो तरह से। अगर डब्ल्यू एच के बाद क्या आ गया, तो बोलो डब्ल्यू क्या बन जाएगा, तो कहोगे डब्ल्यू होता प्रोनाउन, प्रोनाउन तब होगा जब नाउन नहीं होगा, क्या एचिवर का हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसका नाम प्रोनाउन होगा, और ऐसा स्ट्रक्चर का हो जाएगा एडिटिव हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन है ना। तो कब प्रोनाउन, दोनों का हिंदी क्या होगा, व्हाट बुक व्हाट इज, व्हाट बुक में व्हाट का हिंदी कौन सा, और व्हाट इज में क्या, है ना, बताइए। बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है बैच। When WH word is used as a pronoun in a sentence, pronoun मतलब subject, it is called interrogative pronoun. हाँ, तो दोनों मिलकर यहां से यहां तक बन गया सब्जेक्ट, उसकी विशेषता बता रहा है, जैसे दिस पेन दिस बुक आया था वैसे हो जाएगा, विच बुक व्हाट पेन व्हाट इस, वो अभी एक साथ हो जाएगा, उसकी क्वालिटी हो गया, साथ साथ हो जाएगा। कुछ है अंग्रेजी, अब ईमानदारी से बोलो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, समझ में आ रहा तो जोश आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत और सच्ची बात है कि अभी कुछ पाया नहीं, अच्छा पढ़ा दूंगा तो चमक आ जाएगा तुम्हारे अंदर, रियली पढ़ा दिया जाए तो। अभी तो ग्रामर का एक अप्लाइड फॉर्म चल रहा है, जब हम और इसके डेप्थ में जाएंगे, स्टोरी बुक में आएंगे और पढ़ना सिखाऊंगा, कुछ और उसका वोकैब सिखाऊंगा, जब अभी पढ़ना सीखो तो चमत्कार हो जाता है, ठीक है ना। कम हो गया तक, एग्जांपल का जी एग्जांपल है, समझते चलेंगे हम लोग। होम डू यू वांट टू टॉक, व्यक्ति पूछा कि यहां पे होम क्या है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, डरो मत प्रोनाउन, क्योंकि डू क्या है, मत तो प्रोनाउन, डरना नहीं है बेटा प्रोनाउन, खत्म कहानी। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, क्या है वेयर, खत्म कहानी, डर किस बात का, कौन सा प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्यों प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया, है सब्जेक्ट है ये, क्योंकि प्रोनाउन का रोल क्या है, सब्जेक्ट, क्लियर। व्हाट इज योर फादर, प्रोनाउन, व्हाट इज दिस, विच कार, नाउन है ना, हो गया एडजेक्टिव, व्हाट बुक, एडजेक्टिव, ये नाउन है ना, अब बताओ कहां दिक्कत, लिख लो पी आर ओ मतलब प्रोनाउन, ए डी जे मतलब एडजेक्टिव, पी आर ओ प्रोनाउन, ए डी जे एडजेक्टिव, बोलो वेरी द प्रॉब्लम,
नो प्रॉब्लम। हाँ बस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव उसी की जाति का हो जाएगा, है ना, क्या दिक्कत? ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरह से आपको समझने का प्रयास करना है, सीखने का प्रयास करना है। मुझे लगता है कि आज यहीं तक पढ़ते हैं, इससे ज्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है, दिमाग काम करता है आपका। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और आराम से आइए। जितने बच्चों को आना है कोशिश करना कि आप 1 PM से पहले 12:50 पर आपको मोबाइल खोल के बैठ जाना, मतलब आ जाना है। ठीक है सर, क्लास में जैसे भी है लेकिन आपको 1 बजे से पहले मोबाइल खोल के आ जाना है। अगर बाद में क्या बोला हूँ उसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिए, क्लास लीजिए ध्यान रखिए, 1 बजे के बाद क्लास छूट सकता है आपका, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, एक एक करके आना है पढ़ना है। तो कल मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे से आप सब पढ़ रहे हैं। और वो जो लड़का तुमसे अक्सर शिकायत है, तो मोबाइल लेकर के बैठ तो जाता है हाँ तुमसे, लेकिन तुम आपस में लगे रहता है, आपस में कमेंट करते रहते हो, करते हो ना, तो मत करना। ठीक है, आपस में कमेंट, पढ़ाई पर फोकस करो, अंग्रेजी सिखा दूंगा। ठीक है ना, इंग्लिश में तुम्हें प्रॉब्लम भी है मैं समझता हूँ, लेकिन तुम ध्यान देते हो, अगर मत करना। ठीक है, मुझे सब दिखाई देता है तुम क्या टाइप कर रहे हो फोन में, तो पता क्या तुम्हारे सिस्टम में, फोन में एक ऑटोमेटिक कैमरा फिट हो जाता है मेरा। मजाक नहीं कर बैठा, सही बोल रहा हूँ, लगा हुआ मजाक, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम छुप इधर देख रहा है, छुपा के फोन करा, वो मैं क्या देख रहा है, सही बात है, सत्य बात है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, भाई बता दो, चलो बाय, टेक केयर।